हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर में डोरमेट बनाएंगे। कली वाला बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे। इसे देखिए मैं दो कलर में बनाऊंगी ऊन से। आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर की जो मेरी ऊन है ये थोड़ी पतली थी, इसलिए मैंने इसे डबल कर लिया है, यानी फोल्ड कर लिया है। और ये रेड वाली मेरी, ये मैरून कलर है, ये मेरी थोड़ी सी मोटी है तो इसे मैंने सिंगल में ले लिया है। तो मैट बनाने के लिए हम यहाँ पर 20 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें 20 फंदे डालने हैं। ऐसे करेंगे और इस वाले धागे को इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे दो फंदे बन के आए हैं। फिर से देखिए हम इसे ऐसे घुमाएंगे और ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए और इसे इस तरह से टाइट कर लेंगे। फिर से देखिए इसको सिलाई में डालेंगे उंगली पे लपेट के और ऐसे निकाल देंगे। फिर देखिए इस तरह डाला और ऐसे निकाल दिया। ऐसे इसी तरह से हम इसमें 20 फंदे डाल लेंगे। ऐसे चलिए मैं 20 फंदे डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर 20 फंदे डाल लिए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए हम फर्स्ट रो से ही यहाँ पर देखिए इस तरह से पीछे की साइड सिलाई को लेंगे और एक फंदा बना लेंगे और बीच से धागा इस तरह से आगे की तरफ लेके आएंगे और इसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। देखिए इस धागे को साथ में ले लेंगे। देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे ऐसे। और ये देखिए रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसे हम लास्ट तक ऐसे ही बना लेंगे। देखिए जो फंदा हमने बढ़ाया था उसे भी इस तरह से उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। इस कलर को देखिए ऐसे सिलाई को पीछे की साइड लेंगे ऐसे और इसे ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार धागे को हम नीचे की साइड से घुमा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह बनाया, धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे और एक बार फिर वापस इसी में से फिर से बना लेंगे ऐसे और इस ग्रीन वाले धागे को टाइट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे दो फंदे हो गए। और अब इस धागे को साथ में ले लेंगे
और पूरी रो मैरून कलर से बना लेंगे इस तरह से। इस फंदे को देखिए यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे ऐसे, इस तरह से बन जाएगा और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। देखिए दो फंदे हमने पिछली सिलाई में छोड़े, दो अब की बार छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए आपको बड़ा बनाना है तो आप फंदे इसमें दो के मल्टीपल में फंदे डालें। इसमें आप 28 फंदे डालने, 24 डालने, 22 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और आप इसे जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैरून कलर से हमने दो रो बना ली है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। दो फंदे हमने पीछे की साइड फिर से छोड़ दिए और आगे की साइड हम अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखिए हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस फंदे को ऐसे किया, सिलाई के बीच में से धागे को निकालेंगे और एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। इस मैरून वाले धागे को टाइट कर लेंगे ये देखिए, और यहाँ पर ग्रीन कलर से पूरी रो बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, ये मैरून वाले दो फंदे छोड़े और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस फंदे को ऐसे उतारेंगे ऐसे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। जिन्हें उल्टा सीधा बनाना आता है बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। आप इसे डोरमैट में यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए, टेबल मैट में यूज कीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ग्रीन कलर से हमें यहाँ पर दो रो बनानी है इस तरह की, जैसे ये हमारी बन गई ऐसे ही, और मैरून से हम एक बनाएंगे। तो देखिए हम पीछे से इस तरह से निकाला, सिलाई के बीच में से धागे को निकालेंगे और फिर से एक बार बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा फंदा बढ़ गया और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। और देखिए इस तरह इस फंदे को टाइट कर लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। देखिए लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। ये देखिए आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ बीच में हमारी जो गैप आता है इससे पता चल जाएगा कि आपने ये दो दो फंदे छोड़ दिए हैं। इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टी ग्रीन धागे से हमें चार सिलाई बनानी है जिससे हमारी दो धारियां बन के आएंगे, और मैरून से हमें एक बनानी है धारी, दो सिलाई उतारनी है इस तरह से। देखिए लास्ट तक हम बना लेंगे ऐसे। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, पीछे की साइड ऐसे उतारेंगे और इस फंदे को निकालेंगे नहीं, बीच में धागा करेंगे और एक बार फिर से बना लेंगे। देखिए यहाँ पर सॉरी मैरून कलर लगाएंगे अब इस तरह से, ये देखिए मैरून कलर से बनाएंगे
धागा अपनी तरफ करेंगे और एक बार फिर से बना लेंगे इस तरह से। और इस ग्रीन वाले को धागे को टाइट कर लेंगे ऐसे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए बहुत ईजी है और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कली वाला डोरमेट बन के आएगा। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ेंगे और वापिस सही से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिए इस फंदे को उतारा और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ऐसे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। मैरून से हमें दो ही सिलाई उतारनी है। इस तरह से पीछे की साइड से लिया और आगे की साइड धागा किया ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा एक फंदा फिर से बढ़ के आ गया है यहाँ पर और इस मैरून वाले को टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे इस तरह से हमारा बन के आएगा। और यहाँ पर देखिए ग्रीन रो पूरी ग्रीन कलर से बना लेंगे। जब आप इस धागे को आगे की तरफ लेके जाएं तो थोड़ा सा लूज छोड़ते जाएं इस तरह से, जैसे ग्रीन को भी और इसे भी वैसे टाइट कर लें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से इस साइड से इसे लूज छोड़ लें ताकि हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से बन के आए। ये देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए ये दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह, बारह फंदे हमने छोड़ लिए हैं और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से हम इसमें आठ फंदे और छोड़ लेंगे दो दो करके और इस साइड आगे की साइड हमारे दस फंदे बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं आठ फंदे छोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा हमने यहाँ पर दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह दो अठारह दो बीस, बीस फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पर हमने दस फंदे बढ़ा लिए हैं। देखिए ये दो फंदे हमने अब की बार छोड़े हैं और यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे। ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। देखिए दस फंदे बना लिए हमने यहाँ पर, दस फंदे हमारे बढ़ गए हैं और बीस फंदे हमने पीछे की साइड दो दो करते हुए छोड़ दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर रेड कलर लगाएंगे। रेड कलर लगा के देखिए यहाँ पर हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, दस फंदे रेड कलर से बना लेंगे इस तरह से। देखिए दो, इस फंदे को थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस फंदे बनाए वापिस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस फंदे को उतार लेंगे। जो दस फंदे हमने मैरून कलर से लिए थे इन फंदों को बना लेंगे। ये देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए टॉप पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो टॉप पे डिजाइन बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे, सिलाई के नीचे से इस तरह से फंदा लेंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए धागा सिलाई के नीचे से घुमाया, यहाँ पर हमारे एक से दो फंदे हो गए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे दो फंदे बनाने के बाद।
इस तरह से देखें, इस फंदे को उतार लेंगे, दोनों फंदे बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे तो धागे को सिलाई के नीचे से इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, और एक फंदा हमारा ये बन के आ गया जो हमने पीछे बढ़ाया था, और एक फंदा आगे से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे यहाँ पर चार फंदे बन गए और वापस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे। ये देखिए, फिर से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे सिलाई के नीचे से धागा घुमा के, और देखिए तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हो गए। एक फंदा आगे से ले लेंगे, ये हमारे यहाँ पर छह फंदे बन के आ गए और वापस यहीं से पलट जाएंगे इस फंदे को उतार लेंगे। और यहाँ पर देखिए, दो तीन चार पांच और ये छह, देखिए यहाँ पर छह फंदे बन के आए हमारे। तो जिस तरह से अब हमें फंदे बढ़ाए थे, अब हम यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा घटाया और एक, देखिए दो तीन चार, और जो ये छठवां फंदा था इस फंदे को छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे एक दो तीन चार। अब देखिए, फिर एक फंदा घटाएंगे और यहां पर देखिए ये एक फंदा हम फिर से छोड़ेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को देखिए उतार लेंगे और ये तीन फंदे बना लेंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए, एक फंदा हम फिर से घटाएंगे, हमने तीन फंदे बढ़ाए थे, और ये दो फंदे बना लेंगे ऐसे। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, हम दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दस फंदे हमें यहाँ पर रखने हैं, तो वापस यहीं से पलट जाएंगे और इस फंदे को देखिए बना लेंगे ऐसे। और अब देखिए, यहाँ पर हमें ये दस फंदे ग्रीन कलर से बनाने हैं, इसमें हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। इस तरह से देखिए, इसे इस तरह अंगूठे के नीचे धागे को इस तरह से दबा लेंगे, इस तरह से फंदे को बना लेंगे। ये देखिए ऐसे, और ग्रीन वाले इसको टाइट कर लेंगे, मैरून वाले को इस तरह से। देखिए यहाँ पर देखिए गैपिंग है, तो एक फंदा यहाँ से उठा ले और इस तरह से बना ले। दस फंदे बनाने हैं ग्रीन कलर के, देखिए दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस, दस फंदे ग्रीन कलर से बनाए और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा, देखिए जो ये डिजाइन है ये टॉप पे आएगा इस तरह से। देखिए वापस यहीं से पलटेंगे, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, और ये दस फंदे ग्रीन कलर के बना लेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना, और बहुत ही सिंपल सा हमारा प्यारा सा ये डिजाइन है, देखिए इस तरह से, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाया था और इस साइड दो दो फंदे छोड़े थे, तो उसी तरह से अब हमें यहाँ पर एक एक फंदा इस साइड घटाते हुए जाना है आगे की तरफ,
और पीछे की साइड दो दो फंदे साथ में लेते हुए जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम दो का एक बनाएंगे, ऐसे दो फंदे लिए और एक फंदा बना देंगे, ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे देखिए यहाँ पर हमारे ये बन गए और दो फंदे हम आगे से ले लेंगे। तो गैपिंग आ रही है यहाँ पर, गैपिंग को भरने के लिए हम देखिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, अगर ज़्यादा गैपिंग है तो आप दो फंदे उठाएं। देखिए इस तरह से फंदा उठाया, एक फंदा हम आगे से उठा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इन तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से उठाने से हमारी जो है वो गैपिंग भर जाएगी, और ये दो फंदे लिए आगे से और वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, और ये बना लेंगे जिस तरह से हमने ग्रीन की दो दो रो बनाई थी उसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, और देखिए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से हम एक फंदा घटाएंगे ऐसे, और इस मेहरून वाले को आगे की तरफ ले आएंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए दो का एक बनाया ऐसे, इस तरह से दो का एक बनाएंगे और ग्रीन वाले को टाइट कर देंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और दो फंदे आगे से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए गैपिंग है तो गैपिंग के भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, और दो का एक बना देंगे ऐसे, और एक फंदा आगे वाला ले लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, और पूरी रो बना लेंगे। सीधी साइड से हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, सीधी साइड ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिए ये देखिए ऐसे, और इस धागे को देखिए थोड़ा सा लूज छोड़ते हुए जाइएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे और एक फंदा फिर से घटा लेंगे, जैसे हमने 10 फंदे घटाए बढ़ाए थे वैसे ही हम 10 फंदे हर सिलाई में, जैसे उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। अब देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, दो फंदे आगे से ले लेंगे, एक फंदा उठाया यहाँ से और यहाँ पर दो का एक बना लेंगे ऐसे, और एक फंदा आगे से ले लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, और सभी फंदे सीधी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी सिलाई ऐसे ही सीधे सीधे बनानी है। ये उल्टी सिलाई है जो सीधी साइड है, इसे उल्टे उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से ऐसे, फिर देखिए उल्टी रो में हम एक फंदा घटाएंगे, दो का एक बनाएंगे, और देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे कैपिंग को भरने के लिए, यहाँ पर दो का एक बनाएंगे और एक फंदा आगे से ले लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए सीधी रो हमें, सीधी साइड से इस रो को हमें उल्टा उल्टा
बना लेना, इसमें कोई भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो चलिए देखिए, ये मैं यहाँ तक दो दो करके सभी फंदे ले लेती हूँ और आगे की साइड दो दो फंदे घटा लेती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से हमने एक एक फंदा घटाया और दो दो करके सभी फंदे हम साथ में मिलाते हुए चलें। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कली बन के आएगी, ऐसे देखिए। यहाँ पर देखिए गैपिंग को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और दो का एक बना देंगे। यहाँ से देखिए दो दो करते हुए हमने यहाँ पर फंदे ले लिए, दो फंदे बचे हैं, इन फंदों को भी हम साथ में ले लेंगे और हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस फंदे को उतारेंगे और ये रो इस सीधी साइड से हमें कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, इसे ऐसे ही बनाते हुए इस कली को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए। देखिए यहाँ पर हम फिर से दो का एक बनाएंगे, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पूरा डोरमैट बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसीलिए एक ही कली में आपको पूरा डोरमैट बनाने का आइडिया मिल जाएगा। देखिए इस तरह से जैसे मैंने इस कली को बनाया और आपको बताया, तो इसी कली में पूरे डोरमैट का देखिए, यहाँ से हम फिर से एक फंदा उठाएंगे और दो का एक बना लेंगे, ये देखिए, और लास्ट का फंदा भी हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए दो दो करते हुए हमने यहाँ पर सभी फंदे बना लिए, ये देखिएगा इस तरह से हमारी कली बन के आएगी ऐसे, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डोरमैट बन के आएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही जीवे में मैं इसे आपको बनाना बताया है। देखिए ऐसे ऐसे, तो देखिए इस रो को भी हम बना लेते हैं। इस फंदे को देखिए हमने एक बार बना लिया है, अब की बार हम इसे ऐसे ही उतारेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे ऐसे ऐसे, और पूरी रो देखिए फंदे काउंट कर लेते हैं, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस। देखिए जिस तरह से हमने बीस फंदे डाले थे शुरुआत में, उसी तरह से हमारे यहाँ पर बीस फंदे रह गए हैं। इस तरह से हमारी ये देखिए पूरी कली बन के आए हैं इस तरह से। देखिए पत्ती वाले डिजाइन में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा देखिए हमारा डोरमैट बन के आएगा। जैसे हमने इस कली को बनाया वैसे ही हम यहाँ पर सभी कली बनाएंगे और पूरा डोरमैट बना लेंगे। देखिए मैं एक दो कली बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा कैसा डोरमैट बन के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे बीस फंदे बच गए हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर फंदे डाले थे वैसे ही हमारे यहाँ पर भी 20 फंदे रह गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाने हैं एक एक करके, और पीछे की साइड से दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे, यहाँ से दो दो फंदे छोड़ेंगे और यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे, और फिर हमें ये बीच सेंटर वाला बना के डिजाइन, उसके बाद हमें एक एक फंदे घटाते हुए जाना है और दो दो फंदे साथ में लेते हुए जाना है। जो फंदे हमने छोड़े थे दो दो करके उन फंदों को हम
साथ में मिला लेंगे और इस तरह से देखिए हमारा ये जो है मैट बन के आएगा। तो चलिए मैं एक दो कली बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बन के आएगा। ये देखिएगा इस तरह से ये मैंने तीन कली बना ली हैं। देखिए जैसे ये कली बनाई, दो कली हमने बनाई थी, ये एक कली बनाने की वीडियो मैंने आपको दिखाई है और दो कली ये बना ली हैं। इसी तरह से हम इसमें तीन कली और बनाएंगे, ये हमारा छह कली में बन के मैट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, बहुत ही ईजी है इस मैट को बनाना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको बनाना बताया है और बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए इस तरह से ऐसे जैसे हमने ये तीन कली बनाई हैं उसी तरह से हम इसमें तीन कली और बना लेंगे और हमारा मैट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ तक आएंगे हम और यहाँ पर आने के बाद देखिए हम फंदे बंद कर देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। जैसे हमने इस कली को बनाया वैसे ही बनाते हुए हम इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा।